क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, मुख्तलिफ तरह के नेचुरल मैन मेड इंसानों को हम कंसीडर करें। नेचुरल अच्छा नेचुरल मैन मेड कम्बिनेशन एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए नेचुरल सिस्टम वो होता है जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम है, इंसान के अंदर ह्यूमन बीइंग का सिस्टम है ना, यूनिवर्स का जितने भी सिस्टम है सारे नेचुरल है ना, जिसमें इंसान का अपना कोई रोल नहीं होता है, वो बस क्या होता है उसको जस्ट ऑब्जर्व कर सकता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैन मेड सिस्टम जो हम खुद इंसान जो खुद अपने हाथों से डिजाइन करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ियां होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोलर हो गए ना, हमारे एयरप्लेन्स हो गए, टेम्परेचर रेगुलेशन, इलेक्ट्रिकल फैन हो गए, कम्बिनेशन ऑफ बोथ इनकी मैन मेड प्लस नेचुरल, जैसे दोनों को कंबाइन करके हम बना रहे हैं। जैसे व्हीकल हो गया, क्या कहते हैं, एक इंसान जब गाड़ी चला रहा होता है तो इंसान क्या है, एक नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर, और ड्राइवर क्या है उसके अंदर, वो एक मैन मेड सिस्टम है। तो दोनों मिलके ओवरऑल क्या बन गया, कम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा इसके अलावा ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वायर से में कुछ सिस्टम में चाहे कोई और चीज नहीं चाहिए होती रेगुलेट करने के लिए, जैसे रूम को टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए ओपन लूप, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि लूप ओपन है ना, क्लोज लूप, अब लूप क्या है, क्लोज है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्जांपल टोस्टर आ गया, टोस्टर में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या कर दिए, हीट क्या, हीट को रख, उसमें ब्रेड को रख दिया और पावर दे दी इसको। देखिए टोस्टर जो भी होता है उसको सबसे पहले पावर चाहिए होती है, आपने क्या कर दिया, डिजायर टाइम के लिए उसको ऑन कर दिया, ठीक है। जब डिजायर टाइम के लिए ऑन कर दिया, उसने नहीं देखना कि आपकी ब्रेड गर्म हुई है या जल गई है, ठीक है, उसने उस स्पेसिफिक टाइम के लिए उस चला देना है। ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, इसी तरह ट्रैफिक लाइट में देखिए हर लाइट जो होती है अपने स्पेसिफिक डिले के बाद ऑन हो जाती है, और उसके ना चारों साइडों पर चार लाइटें लगी हुई हैं तो 10-10 सेकंड के लिए सारी ऑन होती हैं, तो हर एक कितने डिले के बाद ऑन होगी, 30 सेकंड के डिले के बाद। जब पहले वाली ऑन हो जाएगी वो बंद होगी, तो फिर दूसरी ऑन होगी, फिर तीसरी ऑन होगी, फिर चौथी ऑन होगी, तो 30 सेकंड के डिले के बाद दोबारा वही लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसमें उसने नहीं देखना कि दूसरे बार लाइट चली है या नहीं चली, उसने अपने 30 सेकंड के बाद ऑन हो जाना, तो इसमें फीडबैक नहीं होता। अब क्लोज लूप कंट्रोल वो होता है जिसमें हम फीडबैक ले रहे होते। अब देखिए जैसे एक इंसान किताब पढ़ रहा है, अब आपका दिमाग चल रहा होता है एक लाइन से आप अगली लाइन पर कैसे आते हैं, कि आपका दिमाग आपकी आंखें आपके सिस्टम को फीडबैक देती हैं कि यार अब अगली लाइन पे चल, अगली लाइन खत्म होगी, तो वहां पे सिस्टम के अंदर हम आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर एक फीडबैक आ रहा होता है। मैनुअल स्पीड कंट्रोल, एक इंसान बैठा हुआ है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को स्पीड जब वो स्पीड तेज करता है या आहिस्ता करता है तो क्या करता है, वो फील कर रहा होता है ना, वो अपनी आंखों से अपने जिस्म से उसको सेंस कर रहा होता है, तो स्पीड को आगे लेके चलता है। तो ये ओवरऑल क्या बनता है, अगर इंसान को उसमें शामिल किया जाए दोनों केसेस में, तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनता है। इसके अलावा जैसे हम एसी की बात की कि एसी में जो हवा जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं उसमें सेंसर लगा होता है, उसमें कंपार्टमेंट लगा होता है जो कंपेयर करता है दोनों वैल्यू को, ठीक, तो वो भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। अब देखें ओवरऑल मैन नेचुरल मैन मेड के अंदर ऑटोमेटिक आता है और मैनुअल आता है, इसमें दोनों के अंदर ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल होता है। लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम कौन से होते हैं वो चेक करते हैं। देखिए लीनियर सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाए उसको हम लीनियर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अरे देखें इसकी जो आउटपुट है वो इनपुट के लीनियरली वेरी हो रही है, जैसे y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 5x या y इज इक्वल टू सिंपली x, ना लीनियर प्रोपोर्शनल है, जैसे आप नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ते हैं।
इसी तरह नॉन लीनियर सिस्टम, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सुपर पोजिशन अप्लाई नहीं होता, ठीक है, इसकी आउटपुट जो होती है वो नॉन लीनियर होती है, वो इनपुट के साथ लीनियरली नहीं चल रही होती। जैसे देखे हमारे साइनोसाइडल फंक्शन है, हमारे एक्सपोनेंशियल है, इसके अलावा हमारा जैसे एक्स स्क्वायर है, देखें वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये लीनियर तो नहीं चलेगा। अच्छा देखिए, नॉन लीनियर हमारे जितने भी नेचुरल सिस्टम होते हैं वो सारे नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, अज्यूम करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं कि हम सिस्टम को लीनियरली बना लें। तो उस अप्रोक्सीमेशन से हमें क्या फायदा होता है, सोल्यूशन हम जल्दी निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक इस थोड़े से के लिए थोड़े एक स्टेप को हम लीनियरली कर लीनियर करके चेक कर लेते हैं ताकि हम अप्रोक्सीमेशन ले सकें। इससे डाटा हैंडलिंग आसान होता है लीनियर में। अब नॉन लीनियर में आपको पूरे एंटायर सिस्टम को स्टडी करना पड़ता है। आप इसी तरह देखें हमारे सिस्टम के किसी भी सिस्टम के अंदर ओपन लूप, कंट्रोल लूप, क्लोज लूप के अंदर दोनों में लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन से होते हैं? लेकिन टाइम इनवेरिएंट एक ऐसा सिस्टम जिसकी स्टैटिस्टिक्स टाइम के ऊपर, टाइम इटसेल्फ के ऊपर डिपेंड ना करें, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी कि टाइम के ऊपर इसके स्टैटिस्टिक्स ना करें, रिलाय ना करें। और ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा पैरामीटर्स हों जो टाइम के लिहाज से वेरी हो रहे हों, तो वो क्या होता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ठीक है, टाइम वेरिएंट में क्या होता है, टाइम के लिहाज से सिस्टम के रिस्पांस वेरी हो रहा होता है, और दूसरा टाइम इनवेरिएंट के साथ क्या होता है, वो सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू नाइन एक्स ऑफ टी है ना, तो ये क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। इसी तरह y इज इक्वल टू नाइन एक्स ऑफ टी प्लस नाइन एक्स ऑफ टी माइनस टू है ना, उसमें साथ में एक डिले भी लगा दिया, और टाइम वेरी होते होते के साथ उसका एक ओरिजिनल वाली वैल्यू होगी, एक पुराने वाली वैल्यू डिले के साथ हो, तो जैसे जैसे डिले के साथ पुराने वाली कॉपी भी आएगी तो वो टाइम वेरिएंट आ जाएगा। कंट्रोल सिस्टम के अंदर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों आते हैं। लीनियर के अंदर भी टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट दोनों होते हैं, नॉन लीनियर के अंदर भी दोनों होते हैं, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। अच्छा, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट सिस्टम कौन सा होता है? देखिए कंटीन्यूअस सिस्टम वो होता है जिसके वेरिएबल्स जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, जो टाइम के लिहाज से क्या कहते हैं, कंटिन्यूस उसको कहते हैं कि जो दो टाइम इंटरवल्स जैसे के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक साइन वेव होती है, ये कंटिन्यूस वेव होती है ना, तो हर टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। जबकि डिस्क्रीट क्या होते हैं, उन्हीं देखिए कंटिन्यूस को सिस्टम के अगर आप सैंपल ले लें तो वो बन जाते हैं डिस्क्रीट, ठीक है, अगर उसी डिस्क्रीट को आप क्वांटाइज कर दें, इनके राउंड ऑफ कर दें या चोप कर दें, तो वो डिजिटल बन जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सिस्टम वो होता है जिसमें डिस्क्रीट टाइम के ऊपर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस टाइम वैल्यूज कंटिन्यूस टाइम के ऊपर एग्जिस्ट करती है, मतलब लगातार एग्जिस्ट कर रही होती है। इसमें क्या होता है, लगातार नहीं एग्जिस्ट करती, इसमें स्पेसिफिक टाइम्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये जो है एम्पलीट्यूड डोमेन में कंटिन्यूस होता है और टाइम डोमेन में क्या होता है, डिजिटल होता है। अब एम्पलीट्यूड डोमेन में जब कंटिन्यूस होता है तो इसको जब क्वांटाइजेशन करते हैं, यानी कि जब राउंड ऑफ कर देते हैं या जब इसको चोक कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये मैग्नीट्यूड डोमेन में भी डिजिटल हो जाता है, तो फिर वहां से हमें एक डिजिटल सिस्टम मिलता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर पे सिस्टम जितने भी है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट टाइम वैल्यूज आते। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक सिस्टम, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कौन सा होता है, स्टोकेस्टिक सिस्टम कौन सा होता है?
ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक डिटरमाइन, जैसे ना डिटरमाइन का मतलब होता है क्या करें, आप फाइंड कर सकते हैं ना। तो ऐसा सिस्टम जिसका रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल हो या रिपीटेबल हो, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम। तो इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल हो सकता है। स्टोकास्टिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होगा वो क्या होगा, स्टोकास्टिक हो। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स प्रिडिक्टेबल और रिपीटेबल नहीं होता, या अनप्रिडिक्टेबल होता है और दूसरा स्टोकास्टिक होता है, स्टोकास्टिक इन नेचर होता है, यानी ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा होता। लंप्ड पैरामीटर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम। लंप्ड पैरामीटर सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ये लंप्ड पैरामीटर सिस्टम देखिए, ऐसा सिस्टम जिसको ऑर्डिनरी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कर सकें उसको हम क्या करते हैं, लंप्ड पैरामीटर सिस्टम। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम वो होता है जिसको हम ऑर्डिनरी की बजाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते। ठीक है, लंप्ड को हम क्या कहते हैं, ये वो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को हम चेक कर रहे होते हैं, बाकी दूसरों को कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं। सीसो, माइमो, सीमो और माइसो, ये कौन कौन से सिस्टम होते हैं ना, ये चेक करते हैं। अब देखिए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ना, ये ऊपर देखिए सीसो, सीसो स्टैंड्स फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। सीसो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम ना, जैसे देखें जिसमें जिस सिस्टम के अंदर एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, उस सिस्टम का क्या कहते हैं, सीसो कहते हैं। इस केस में कोई फीडबैक नहीं होगी, सीधा सीधा सिस्टम एक इनपुट दे रहे हैं एक आउटपुट दे रहे हैं, जिससे आपकी ओपन लूप सिस्टम जो है वो एक सीसो सिस्टम होता है। माइमो सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स हों और मल्टीपल ही आउटपुट्स हों, ऐसे सिस्टम के लिए हम ज्यादातर मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करते हैं, इनके मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करते हैं, जबकि सीसो को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वे काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट में आपके पास एक इनपुट होती है और आउटपुट क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। इसी तरह माइसो के अंदर आपके पास इनपुट एक से ज्यादा होती है और आउटपुट क्या होती है, एक ही होती है। जैसे आप देखें आप किसी भी सिस्टम को जब इनपुट देते हैं तो उसके साथ इनपुट के साथ एक एक्स्ट्रा चीज जो एनवायरमेंट में ऐड हो रही होती है वो नॉइज होती है। अगर आप नॉइज को भी उस पर कंसिडर कर लें तो वो माइसो हो गया ना,